गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अभी तक इस क्लासेस में हम लोग ना जितना सिलेबस इस बार 33% रिड्यूस करने के बाद दिया गया है उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक हम यहां लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक को देखिए कि जैसे एक इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट, मतलब इंडक्शन क्या है और इंड्यूस्ड करंट, इसके बाद ईसी और डीसी, इलेक्ट्रिक करंट, देयर एडवांटेज, एसी या डीसी का एडवांटेजेस, और इसके बाद जेनरेटर, ठीक है, एसी की फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी, इस सब से रिलेटेड जेनरेटर, फिर आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारे जो टॉपिक है वो इस बार के एग्जामिनेशन में 33% रिड्यूस करने मतलब कर दिया जो गया है वो सारा टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक को हमें स्टडी नहीं करना है बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, बट इन्हें हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, क्या है नहीं है, और फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है हमारा नेचुरल फेनोमेनन, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, फिर जो डिफरेंट टाइप्स के मिरर होते हैं, मतलब प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, स्फेरिकल लेंसेस, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर जो मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, या फिर इसका R/2 है, 1/V + 1/U + 1/F, इस सब टाइप का जो फॉर्मूला है, उन सब सारे चीज को हम लोग बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है, इस सभी टॉपिक को एक बार इस वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, और अगर तुम्हें इच्छा हो तो बुक से इस चीज को पढ़ भी लेंगे, मगर जब हमारा सिलेबस लास्ट हो जाएगा तो यह जो जेनरेटर है इसको हम लोग एक बार अच्छी तरीका से पढ़ लेंगे, बिकॉज यह जेनरेटर जो है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करते हुए इस एसी को जेनरेट करता है, और जिस उसका उपयोग हम लोग करंट के पावर, जो पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसके एब्सेंस में कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इन सारे चीज को हम देखते रहें और जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं यहाँ यह इंडक्शन क्या है। सबसे पहले देखिए इंडक्शन क्या है, इट मीन्स कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। अब देखो आप कि यह एक सर्कुलर ऐसा शेप है, इस पर जो चार्जेज है वो कुछ इस तरीका से है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इस तरीका से चार्जेज है। लेकिन जब यहां पर हम कोई ऐसा जो पॉजिटिवली चार्ज है, सिर्फ ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब यह नेचुरल पोजीशन में है और यह चार्ज पोजीशन में है,
तो इसे हम इसके करीब जैसे ही लाएंगे, यहां पर जैसे ही इसके करीब लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर कि यहां पर ये जो प्लस है यह यहां से उठकर के इधर आ जाएगा, प्लस यहां प्लस था ये प्लस उठकर के उधर गया, यहां माइनस हो गया, फिर यहां ये माइनस हो जाएगा, फिर यहां ये माइनस हो जाएगा, फिर यहां ये माइनस हो जाएगा, इधर सारे के सारे ऐसे प्लस हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, तो इस पॉजिटिव चार्ज के यहां पर लाने के वजह से इस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेंस कि जो पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर थे इसके अराउंड, वो सारे के सारे एक तरफ हो गए और नेगेटिव एक तरफ हो गए। तो यहां पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव से अट्रैक्शन हुआ, इसलिए ये इस साइड आ गया, बट इसके अपोजिट साइड में इसका एब्सेंस हो गया, यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं था। तो यह क्या मेथड हुआ, जैसे ही आप इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाए ये ना इंड्यूस हो गया, इंड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ चार्ज चार्ज बॉडी इज कॉन्टेक्ट ऑफ द अनचार्ज बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में जैसे ही इस चार्ज बॉडी को हम ला रहे हैं तो यहां पर यह सारे के सारे चार्जेस जो पॉजिटिव और निगेटिव नियर बाय में थे वो यहां से रिमूव हो गए और एक साइड यहां आपको ये सारे के सारे कौन क्या आ गए, तो सारे के सारे निगेटिव आ गए और उसके अपोजिट साइड में क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो इसे हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एंड इसका कॉज क्या हुआ, तो कॉज हुआ यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं रैकेट बोलिए, इस पॉजिटिव चार्ज फ्रेम बोलिए, इस पॉजिटिव चार्ज फ्रेम को इस नॉर्मल सिचुएशन में जो एक बॉल है स्फेरिकल बॉल है उसके सामने लाने से हुआ। तो इसे हम लोग ना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट ऑफ देम इज नोन एज इंड्यूस्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। तो यह जो चार्ज हुआ इसे हम लोग इंडक्शन मेथड बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड हुआ यहां पर चार्ज, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, जैसे आप देखते हैं जो आयरन मटेरियल है तो वह आयरन ना मैग्नेट की तरह एक्ट करता है हरदम, क्या नहीं करता है, लेकिन उस सॉफ्ट आयरन को सॉफ्ट कोर आयरन को आप ना मैग्नेट के साथ कुछ देर तक के लिए छोड़ दीजिए। जब मैग्नेट के साथ कुछ देर तक छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए अगर छोड़ दिया उसके बाद वहां से मैग्नेट को रिमूव कर दीजिए तब भी वह आयरन कोर जो है वह किसके तरह एक्ट करता है, वह उस आयरन वह उस मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। तो उस सॉफ्ट आयरन कोर पर जो मैग्नेटिक नेचर आया, जो मैग्नेटिक नेचर इंड्यूस्ड हुआ उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट, ठीक है। मतलब एक बॉडी को जो या तो चार्ज है या जो कुछ भी, उस एक बॉडी को जब हम किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं और किसी तरह का वहां पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, किसी भी तरह का अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलता है, दैट रिजल्ट इज कॉज बाय द एनी अदर बॉडी, वह जो रिजल्ट है वह किसी दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाने से हुआ है, तो इसे अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट। अब हम लोग यहां पर ये जैसे इसी को हम लोगों ने देखा मैग्नेट के देखा, ऐसे कभी कभी नेचुरल लाइफ में हम लोग नेचुरल लाइफ में भी ऐसा देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि किसी ऐसे जैसे तुम्हारे पास ना वैसा कुछ नेचर नहीं है तुम्हारा, लेकिन किसी के कॉन्टेक्ट में आने से वैसा नेचर आता है, तो समटाइम्स बोल सकते हैं कि ये उसकी कारण या प्रभाव है, उसके आने से ऐसा हुआ है। तो इस टाइप का जैसे यहां पर इसके चार्जेस हमेशा नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल में जानते हो कि ईच एंड एवरी बॉडी एक्ट एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द केस ऑफ नॉर्मल पोजिशन, वो नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल पोजिशन में वह ना क्या करता है जीरो चार्ज, मतलब उसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट जब हम किसी बॉडी को उससे कॉन्टेक्ट में लाए हैं तो लाने के बाद उसको उस चार्जेस का क्या हुआ, सेपरेशन हो गया और इसे हम लोग इंड्यूस्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां इस क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना था यहां इंडक्शन मेथड से हम लोग यहां पर क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से फ्लो होती है तो उस वायर के चारों तरफ उस कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। तो अब उसके वाइस वर्सा जो कंडीशन होता है उसका रिवर्सिबल कंडीशन में अगर कहीं वह मैग्नेट हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, अब इस मैग्नेटिक फील्ड से मतलब इस मैग्नेट का यूज करके हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो अगर इस या इस मैग्नेट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हो या प्रोड्यूस होता हो तो इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज ऑफ मैग्नेट। ओके, इट इज अल्टीमेटली टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द यूज ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब इस दोनों चीज को तो आपने इसे समझ लिया, इंडक्शन समझ लिया। अब EMI का मतलब नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? अभी हम लोग इसको सुने हैं कि जिस तरीका से हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब इस मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करा सकते हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ओके, अब इसका क्या है, कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर इसको हम लोग कुछ इस तरीका से यूज कर सकते हैं कि ये अगर आपका मैग्नेट है, ये देखिए, अगर ये ऐसे मैग्नेट हम लोग रख दिए तो यहां एक और डिवाइस का नाम जरा सुन लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड इट विल ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि क्वायर लिखे, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर इसको बोल सकते हो। इस कंडक्टिंग वायर के यहां पर हम लोग ना यह लगा दिए हैं, क्या है इसका, यह गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर उस इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। अब यहां आप देखो कि इस मैग्नेट में जैसे यह इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहां इस वायर को देखिए मतलब अप डाउन ऐसे ऐसे आप मूव करना शुरू कीजिए। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप घर में भी कर सकते हो, एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यह मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां तक इतने मोटे इतने लेंथ के ऐसे लगे हुए हैं, हॉर्स मैग्नेट बोल सकते हो इसको, और जब इस स्क्वायर कनेक्टिंग वायर को आप अप डाउन एक बार इसे आप, ठीक है, और एक बार इसे आप डाउन, मतलब इसका मूवमेंट अप डाउन ऐसा करोगे तो यहां ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा, और इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होने से यह एक बार यह राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, एक बार यह लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, आप मोशन ही वैसे करा रहे हो, इसका मोशन ही आप वैसे करा रहे हो। जब इसके बाहर की तरफ मतलब अप करा रहे हैं तो यह राइट साइड क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहा है, और जब आप इसे डाउन करा रहे हो तो यह लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है। और इसका मीनिंग यहां पर यह हो जा रहा है कि इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, इट मीन्स देर इज एनी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहां पर क्या किया आपने, इस मैग्नेट को तो आपने जैसे के तैसे यहां पर प्लेस कर दिया है, मैग्नेट को तो मूव नहीं करा रहे हो, तो फिक्स है, आप मोशन दे रहे हो किसमें, इस कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टर में, और इसके मूवमेंट से इस चार्ज पे, ये तो आपको एक वायर था ना, इस पे तो कुछ भी नहीं आपने नहीं दिया था, इसके वायर था सिर्फ, इसका मोशन करा रहा है और इसके वजह से इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ड्यू टू दैट रीजन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है वह इंड्यूस्ड करंट है, और इस इंड्यूस्ड करंट का मीनिंग आप यहां पर समझ सकते हैं इस चीज से। ओके, सो क्लियर है कि यहां पर हम मैग्नेट का यूज करके इसको आप लोग बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
विद द यूज ऑफ मैग्नेट. ओके, अब यहां पर देखिए, ये हम लोग तो समझ दिए, फिर इसका कोई प्रिंसिपल है क्या, किसी प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहा है कि मतलब ये ऐसे ही है वर्क कर रहा है. यहां पर इसका प्रिंसिपल क्या है कि देखिए, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का था, तो यहां पर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड आप अगर प्रोड्यूस करते हो, तो वह फ्लेमिंग्स का वह लॉ बताता है कि अगर यहां पर आप मैग्नेट का जो नेचर है, जैसे यहां पर अगर ये ऐसे ऐसे होता है, तो यहां पर ये आपका ये फिंगर जो है यह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. तो यहां पर आप देखिए, यह इसे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा, यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और यह थंब हम इसका मोशन करा रहे हैं, अप डाउन अप डाउन मोशन करा रहे. तो ये जो डायरेक्शन है हमारे फिंगर्स का, ये डायरेक्शन मेरे फिंगर्स का, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाता है, और इस इंड्यूस्ड करंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं. इसी प्रिंसिपल को, इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करके एक डिवाइस बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं जेनरेटर. ठीक है, जेनरेटर. अब यह जो इलेक्ट्रिक करंट आप देख रहे हो, यह इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द फर्स्ट वन इज एसी एंड द सेकेंड वन इज डीसी. यह इलेक्ट्रिक करंट यह करंट जो है बेसिकली यह टू टाइप्स का है, एसी एंड डीसी. इस एसी और डीसी को समझने के लिए और कुछ तो यहां पर नहीं बताऊंगा, बिकॉज यह जो टॉपिक है तुम्हारा यह काफी इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडी के लिए, और यह तुम्हें ट्वेल्थ क्लास में, यह करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ट्वेल्थ क्लास में समझिए तो यही कंप्लीट पढ़ना है. इसलिए वहां की मैटर को यहां अगर मैं डील करूं तो वीडियो भी हमारा काफी बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा. तो यहां पर जस्ट इतना समझिए कि यह करंट जो है वह दो टाइप के हैं, एसी और डीसी है. यह डीसी जो है थ्रू आउट द मोशन, या सोर्स से लोड तक जाने में कहीं भी जो इसका फ्रीक्वेंसी है वह सेम रहता है, मतलब इसका पोलरिटी जो है प्लस माइनस है, यह कभी चेंज नहीं होता है डीसी में. ठीक है, डीसी में जिसका पोलरिटी है प्लस माइनस, यह कभी चेंज नहीं होता है, यह हमेशा फिक्स रहता है. इसकी जो नॉर्मली इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इसका मैक्सिमम, जैसे ए जो है, ए साइन ओमेगा टी अगर लिखते हैं इसका इक्वेशन, तो ए जो है वो हमेशा फिक्स रहता है. ठीक है, डीसी का बस वहीं पर आप देखेंगे एसी के लिए, तो यह एसी जो है डिनोट एसी से करते हैं, इसका फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है. डीसी इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है. यह अल्टरनेटिंग करंट जो है यह अपना पोलरिटी प्लस माइनस जो है यह हर 1/100th ऑफ सेकेंड में चेंज करता है. 1/100th ऑफ सेकेंड में यह हर बार यह चेंज करता रहता है, इसकी पोलरिटी फिक्स नहीं होती है, यह हमेशा चेंज करता रहता है. डीसी जो है, और डीसी और एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट कि एसी को आप मैक्सिमम डिस्टेंस तक, आप जितना ज्यादा से ज्यादा दूर तक हो आप इसका ट्रांसमिशन करा सकते हैं, एसी को यहां से कहीं दूर तक आप ले जा सकते हो विदाउट एनी लॉसेस. बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट डीसी ओवर अ लॉन्ग नेटवर्क, देन इट इज नॉट पॉसिबल. या डीसी को कहीं भी आप यहां से अगर 1 किलोमीटर वायर लंबा वायर अगर कनेक्ट कर देते हो डीसी का, तो वह डीसी करंट जो है उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. रीजन क्या हो जाएगा कि इस जो कंडक्टिंग वायर है उसका जो रेसिस्टेंस है वह इस डीसी के कुछ वैल्यू को यूज करता चला जाता है, जिसके वजह से इस डीसी का स्ट्रेंथ वहां तक रह ही नहीं पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा. वहां पर आप अगर एसी का करंट देखते हैं तो एसी किसी भी, जैसे कॉपर है या सिल्वर है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है ड्यू टू इसका रेसिस्टिविटी जो है सबसे कम होता है इस वजह से. तो आप इसको, मतलब एसी इज इजी टू ट्रांसमिट ओवर अ लॉन्ग नेटवर्क विद रिस्पेक्ट टू डीसी. डीसी इज नॉट इजीली ट्रांसमिट ओवर द लॉन्ग नेटवर्क, वेयर एज एसी कैन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग नेटवर्क. ठीक है, ये इसका एडवांटेज है. ये अपना पोलरिटी हमेशा चेंज करता रहता है, और वह चेंज कितनी देर में करता है, तो 1/100th of second में. और या ऑल ओवर इंडिया में इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज होता है. जनरली इसका 50-60 हर्ट्ज माना जाता है, बट इंडिया में 50 हर्ट्ज तक इसका ट्रांसमिशन होता है.
ठीक है। तो आप एसी समझ गए, डीसी समझ गए, इस दोनों में डिफरेंसेस समझ गए, इसके जो एडवांटेज है वो समझ गए, इंडक्शन समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट का मतलब ही होता है, डोमेस्टिक सर्किट का मतलब ही होता है डोमेस्टिक सर्किट का मतलब होता है द कनेक्शन ऑफ हाउस होल्ड डिवाइसेस। हमारे घरों में, हमारे नियर अबाउट एरिया में, एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में, या एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जो कनेक्शन होगा लोड्स का, सर्किट एलिमेंट का, उसे हम लोग डोमेस्टिक सर्किट का नाम देते हैं। इस डोमेस्टिक सर्किट के सर्किट में जनरली तीन तरह के वायर यूज होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, इस तरह का वायर, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लैक। यह रेड जो होता है वह लाइव वायर होता है। लाइव वायर का मतलब यह हुआ कि जो पावर ट्रांसमिशन या पावर प्लांट है वहां से आने वाला हाई वोल्टेज लाइन, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको रेड और ब्लैक वायर के बीच क्रिएट होता है, लेकिन यह जो कैरी होता है यह लाइव वायर होता है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो हमारे क्या कहते हैं कॉलोनी के बाहर जो ट्रांसफार्मर वगैरह जहां लगा होता है, यह ट्रांसफार्मर भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं। इस ट्रांसफार्मर को आप यह बोल सकते हो, यह ट्रांसफार्मर जो है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है आपको पावर प्लांट जहां है वहां होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके नियर अबाउट कॉलोनी के एरिया में जहां ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं। तो यहां इस डोमेस्टिक सर्किट में जो आपको कनेक्शन है, कनेक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख लेंगे। अगर यह सिलेबस में अभी होता तो इसमें हम और ज्यादा टाइम देकर इसको और क्लियर करते, और अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो इस चीज को ये करने में तो वह क्वेरी सेशन में पूछेंगे, उस वक्त हम इसको पर्सनली कर देंगे। तो इसमें डोमेस्टिक सर्किट में जो जो लाइव वायर होता है, उस लाइव वायर और एक वहां से न्यूट्रल वायर, यह दोनों वायर हम लोग लेते हैं, और अपने घर के जो सबसे पहले वहां पर, जैसे कुछ इस तरह से यह डायग्राम ड्रॉ होगा, यह पोल पर से एक वायर लेते हैं। इस वायर में यहां पर एक फ्यूज लगा हुआ होता है, जो आपको सप्लायर का फ्यूज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए फ्यूज होता है। यह फ्यूज यहां से आएगा और यहां आने के बाद आपके यहां पर जो मीटर लगे हुए हैं उस मीटर में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस मीटर के बाद जो वायर या लाइव वायर जाएगा, इस लाइव वायर से आप अपने घर, डोमेस्टिक घरों में किसी से किसी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बचाने के लिए, तो फिर यहां पर आपके किसके सीरीज में लाइव वायर में एक फ्यूज लगाते हैं, जो डोमेस्टिक तो आपके घर का फ्यूज होता है। यह फ्यूज जो है आपके घर में किसी भी तरीका का कहीं शॉर्टेज होगा तो उससे आपके घर के डिवाइसेस को बचाएगा। इस लाइव वायर को यहां लेकर करके पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज इन विच लाइन, आप लिखोगे लाइव लाइन में होता है, लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर डिवाइसेस होगा, सारे डिवाइसेस इस टाइप से यहाँ आपको ये लाइव वायर का कनेक्शन ऐसे दिया जाएगा ये, और इस सबसे जो स्विच लगाते हैं यह स्विच भी आपको लाइव वायर में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें जो आप देखते हैं सेफ्टी डिवाइस के रूप में, कुछ सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, वह सेफ्टी डिवाइस का मतलब ये होता है कि आपके घरों में लगे हुए डिवाइसेस को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए। तो यहां पर एक सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज और दूसरा होता है एमसीवी। यह फ्यूज जो है, यह फ्यूज पुराने सर्किट्स में यूज किया जाता था। इस फ्यूज का जो मतलब होता है, मतलब इसमें जो लोग कंडक्टिंग वायर लगाए हुए होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण जैसे ही तुम्हारे घर में कहीं भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा यह मेल्ट हो जाएगा और तुम्हारे घर में लगे हुए जो डिवाइसेस है वो सेफ रह जाएंगे। तो इसका जो वर्किंग है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज विल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह एमसीपी जो है, एमसीपी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एमसीपी जो है
इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एमसीबी इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही तुम्हारे घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोडिंग अगर होता है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे उस पार्टिकुलर एरिया में करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो वहां पर उसके मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे ही रेटेड वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, यह एमसीबी जो है सो वहां पर कूल डाउन हो जाएगा और तुम्हारे घर के सारे डिवाइसेस को सेफली या बचा देगा, सेफ रख लेगा। तो ये इस फ्यूज से ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। इसीलिए आजकल जितने भी वायरिंग्स होते हैं, अंडरवॉल वायरिंग्स होते हैं, तो बार बार उस वायरिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग फ्यूज के जगह पर एमसीबी का यूज करते हैं। तो ओवरऑल इसके जो भी यूज थे हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये तो अभी जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा यह फिर हमारे सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट क्लास में अगर हमें टाइम मिलता है तो तुम्हारे इस जेनरेटर का डायग्राम के साथ इसकी स्टडी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए जो होमवर्क है, उस होमवर्क को यह है कि अभी जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, उस टॉपिक को एक बार ऑनेस्टली अच्छे से नोट्स बना लेंगे। राइट नोट्स ऑन डोमेस्टिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आप एक नोट्स लिखोगे डोमेस्टिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उसमें जितने भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया, उस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखेंगे। फिर डोमेस्टिक सर्किट का एक प्रॉपर डायग्राम बना करके ये सारे सर्किट एलिमेंट्स का यूज प्लस फ्यूज और जो हमारा एमसीबी है इसके प्रिंसिपल, इसके साथ साथ ये सारे चीजों को लिखेंगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स देन यू विल आस्क अबाउट दैट टॉपिक इन द क्वेरी सेशन इन द इवनिंग। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।